जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला, बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी आतंकियों ने। मस्जिद में अजान देने गए थे एसएसपी, इसी दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले को अंजाम देकर फरार हुए आतंकी, सेना ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की है। राजौरी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, आतंकी हमले में 4 जवान हमारे, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। राजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का एक्शन जारी है, आतंकियों की तलाश तेज है। वहीं दयानिधि मारन का उत्तर भारतीयों को लेकर विवादित बयान, कहा हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में करते हैं टॉयलेट साफ। दयानिधि मारन के विवादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार, याद कराए सेंथिल कुमार और रेवंत रेड्डी के भी बयान। यूपी और गुजरात में शराब बिक्री को लेकर शुरू हुई सियासत, एसपी और कांग्रेस ने बीजेपी पर शराब को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। क्रिसमस और नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश में रात 11 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें, सरकार ने शराब की बिक्री का समय 1 घंटा बढ़ाया, पहले 10 बजे तक खुलता था, अब रात को 11 बजे तक खुलेगा। दिल्ली में नकली दवा को लेकर सियासत काफी तेज है, सरकारी अस्पतालों में नकली दवा खरीद को लेकर घिरी राज्य सरकार। सरकारी अस्पताल में नकली दवा को लेकर एलजी ने लिया फैसला, सीबीआई को दिया गया जांच का आदेश। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में नकली दवाएं सप्लाई होने पर आरोप पर मंत्री सौरभ भारद्वाज की सफाई आई, दवाओं की खुद जांच नहीं कर सकता। सौरभ भारद्वाज का आरोप, एक अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में एलजी की दिलचस्पी नहीं। दुकानों की डी सीलिंग के मुद्दे पर एमसीडी में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में तकरार, मेयर शैली ओबेरॉय ने बीजेपी के पार्षदों पर लगाया सदन नहीं चलने देने का आरोप। वहीं बीजेपी ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का इस्तीफा मांगा है, कांग्रेस ने जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, कहा आरजेडी में जल्द जेडीयू का विलय हो जाएगा। आरजेडी के विलय वाले बयान को तेजस्वी यादव ने किया खारिज, कहा यह मात्र सुर्खियां बटोरने की कोशिश। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां काफी तेज हैं, अयोध्या में अभेद सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस मुस्तैद है। अयोध्या में रहेगी कई लेयर सुरक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ पीएसी और सीएपीएफ के जवान भी सुरक्षा में तैनात। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के जवानों को भी अयोध्या में किया गया है तैनात, राम मंदिर और अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा यूपीएसएसएफ के जिम्मे है। वहीं यूपी पुलिस की सभी स्पेशल यूनिट अयोध्या में मौजूद है, प्लान के मुताबिक पुलिस बल की तैनाती। आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार को बनाया गया है सिक्योरिटी का नोडल अधिकारी, पूरी सुरक्षा प्लानिंग के संभालेंगे कमान।